आज हम चर्चा करेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद मांगने में आखिर क्या है रुकावट। क्या आप जानते हैं कि 50% से अधिक लोग क्लिनिकल स्तर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद नहीं लेते। इस सोच के प्रमुख कारण है ये सोच कि इलाज मदद नहीं करेगा, अज्ञानता कि किस तरह की मदद लेनी है, मानसिक स्वास्थ्य में उपचार प्रभावकारिता पर कम प्रकाश और मानसिक स्वास्थ्य के शोध में चुनौती की कमी। कुछ अनुमानों के अनुसार उच्च आय वाले देशों में 5 में से केवल 1 व्यक्ति और मध्यम आय वाले देशों में 27 में से 1 व्यक्ति को डिप्रेशन के लक्षणों और संकट के लिए न्यूनतम उपचार प्राप्त होते हैं। अमेरिका के अन्य आंकड़ों से संकेत मिलते हैं कि 2008 और 2014 के बीच अत्यधिक अवसाद वाले लगभग 30% लोगों को मानसिक स्वास्थ्य ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, लेकिन ट्रीटमेंट प्राप्त नहीं हुआ। इस तरह के ट्रीटमेंट के गैप अन्य मानसिक बीमारियों के लिए भी पाए गए हैं। मानसिक स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित लोगों को आवश्यक देखभाल और सहायता प्राप्त हो, इसलिए इन आंकड़ों के पीछे के कारण को समझना जरूरी है। इस शोध में मानसिक स्वास्थ्य मिलियन परियोजना में लगभग 1,00,000 लोगों से पूछा गया कि वह मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद क्यों नहीं मांगते हैं। उनके जवाब ट्रीटमेंट के लिए कथित बाधाओं को उजागर करते हैं। ये पाया गया कि क्लिनिकल मानसिक स्वास्थ्य के लिए अधिकांश लोग मदद नहीं लेते हैं। इस शोध में शोधकर्ता जिन 10 अंग्रेजी भाषा आबादी का अध्ययन कर रहे हैं, उनमें से 78% उत्तरदाताओं का मानसिक स्वास्थ्य स्कोर काफी कम था, जो दर्शाता है कि वे क्लिनिकल मानसिक स्वास्थ्य के विकार के रिस्क पर थे, जिसके लिए उन्होंने मदद नहीं ली। यूएसए में यह संख्या 45% थी और यूके में यह 50% थी। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में यह संख्या कर्मशः 45% और 47% थी। इसके विपरीत दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, नाइजीरिया और भारत में मदद नहीं मांगने वालों की संख्या 61% से 81% थी। यानी कि भारत में 61% से 81% लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद की जरूरत थी, जो उन्होंने नहीं ली। ज्ञान की कमी और ट्रीटमेंट में विश्वास ना होना मदद ना मांगने के प्रमुख बाधाएं हैं। इन बाधाओं में शोधकर्ताओं ने पाया कि क्लिनिकल या रिस्क मानसिक स्वास्थ्य स्कोर वाले उत्तरदाताओं ने मानसिक स्वास्थ्य समस्या के लिए मदद नहीं मांगी। ऐसा नहीं करने का प्रमुख कारण जैसे 36% की स्वयं इलाज करने की प्राथमिकता थी। इससे पता चलता है कि वे अपनी चुनौतियों का प्रबंधन स्वयं करना पसंद करते हैं या नहीं सोचते थे कि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य उपचार की आवश्यकता है। अन्य मुख्य बाधाओं में ट्रीटमेंट या इलाज की जानकारी की कमी शामिल है। 34% को नहीं पता कि किस तरह की मदद लेनी है या कहां से मदद लेनी है। 28% को मानसिक स्वास्थ्य के इलाज में विश्वास की कमी थी, जो मुख्य रूप से 19% उत्तरदाताओं को यह महसूस करने के कारण था कि यह इलाज काम या मदद नहीं करेगा। 13% को दवा लेने के लिए मजबूर होने का डर था। 22% उत्तरदाताओं को मदद मांगने में संकोच था कि दूसरे लोग उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जान लेंगे और एक कलंक या स्टिग्मा समझेंगे। और 19% सामर्थ्य और उनकी पहुंच की कमी के कारण बाधित थे। इसका समाधान क्या है? ट्रीटमेंट को लेकर विभिन्न देशों में बाधाएं भिन्न हैं। हालांकि एक सामान्य विषय जो कई देशों में सामने आया वह यह है कि बहुत से लोगों को यह अज्ञानता है
कि उन्हें किस प्रकार की मदद लेनी चाहिए और या उपलब्ध ट्रीटमेंट की प्रभावशीलता में कम विश्वास है। हालांकि इसे कलंक या स्टिग्मा समझना और दूसरों को पता न लगने देना अभी भी कई लोगों के लिए एक बड़ी बाधा है। धन्यवाद।